हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल। स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पापलेट फिश का सरसों तेल खट्टा करी। ये चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगती है। आप ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो वीडियो के नीचे लाइक के बटन पर जरूर क्लिक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधा केजी मीडियम साइज के पापलेट फिश को अच्छे से वाश करके ले लिया है। अभी इसमें हल्दी और नमक डालेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हल्दी और नमक को फिश के साथ अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अच्छे से फिश को हल्दी और नमक लगा लिया है, इसे अभी साइड में रख देंगे। अभी सरसों का पेस्ट बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा वाला मिक्सी जार ले लिया है। इसमें अभी 2 टेबलस्पून में यह सरसों डाल रही हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमारा सरसों का पेस्ट अभी हो चुकी है, तो इसे अभी साइड में रख देंगे। खट्टा करी बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 ड्राई वाला मैंगो ले लिया है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा फूलने के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई मैंगो को मैंने भिगो दिया है, अभी इसे साइड में रख देंगे। अब चलते हैं फिश फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने पहले से ही कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। अभी इसमें सरसों का ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ही हम डालेंगे। अभी इस सरसों का ऑयल को थोड़ा सा फैला लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुकी है, इसमें अभी एक एक करके फिश का डाल देंगे। फिश को एक साइड से थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं। एक साइड से हो चुकी है तो इसे अभी पलट देंगे। हमें फिश को पूरा ब्राउन होने तक फ्राई नहीं करनी है, इसे थोड़ा थोड़ा ही फ्राई करनी है। आप देख सकते हो दूसरे साइड थोड़ा सा इसे फ्राई होने देंगे। दूसरे साइड भी हो चुकी है तो इसे अभी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह और सारे फिश को भी फ्राई करेंगे। अभी ये फिश भी हो चुकी है तो इसे भी अभी प्लेट में निकाल लेंगे। वही सेम कढ़ाई में अभी सरसों का ऑयल डाल देंगे। इसमें ज़्यादा ऑयल ज़रूरत नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा ही ऑयल डालनी है। अभी इसमें एक सूखा लाल मिर्च डाल देंगे, आधा चम्मच पंचफोरन डाल देंगे, 2 कटा हुआ हरी मिर्च को डाल देंगे और कुछ कटा हुआ प्याज को डाल देते हैं। प्याज और हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। इसे हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए इसे पका लेनी है। अभी आप देख सकते हैं हमारा प्याज और हरी मिर्च थोड़ा सा पक चुकी है। तो इसमें अभी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी थोड़ी देर के लिए पका लेनी है। हम खट्टा करी बना रहे हैं तो मसाला को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस थोड़ी देर के लिए इसे कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब देख सकते हो हमारा अभी अदरक लहसुन भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसमें अभी मस्टर्ड पेस्ट को डाल देंगे। जितना हम मस्टर्ड पेस्ट बनाए थे उसी में से 2 चम्मच यहाँ डाल देते हैं। अभी मसाला के साथ इसे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। अभी इसमें 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अभी तीनों को अच्छे से मसाला के साथ फ्राई करेंगे। इसे हम 30 से 40 सेकंड के लिए इस तरह से फ्राई करेंगे। मसाला हमारा फ्राई हो चुकी है तो इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिला लेंगे। इसे भी अभी 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा आप पका लोगे तो हमारा जो सरसों का पेस्ट है वो कड़वा लगेगी, तो इसे थोड़ी देर के लिए ही पका लेनी है। देखिए हमारा मसाला अभी हो चुकी है तो इसमें अभी पानी डाल देंगे। आपको जितना पानी चाहिए आप उतना ही डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 गिलास पानी डाल रही हूँ। अभी इसमें बॉईल आने देंगे।
अब देख सकते हो हमारा करी में बॉयल आ चुकी है। अब इसमें ये भिगो हुआ ड्राई मैंगो को डाल देंगे। इसमें जो पानी है वो भी डाल देते हैं। अभी इसमें एक एक करके फिश को भी डाल देंगे। तो यहाँ मैंने सारे फिश को डाल दिया है। अभी इसमें वापस उबाल आने देते हैं। फ्लेम को हाई में रख के इसमें बॉयल आने देंगे। अभी आप देख सकते हो हमारा फिश में अच्छे से बॉयल आ चुकी है। अभी गैस का फ्लेम मीडियम में कर देंगे। अभी इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। आपको ध्यान रखने है कि जो ड्राई वाला मैंगो में भी नमक रहता है, तो आप करी को थोड़ा चख के इसमें नमक डालिए। अभी इसे ढक के 6 से 7 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। यहाँ मुझे करी को पकाते हुए 7 मिनट हो चुकी है। अभी आप देख सकते हो हमारा करी थोड़ा सा सूख चुकी है। अभी गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब चलते हैं इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप ये फिश करी को गरम गरम चावल के साथ सर्व करिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये पापलेट फिश में कांटा बहुत ही सॉफ्ट है, आपको बच्चे को खिलाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में जो बेल आइकन है उसके ऊपर जरूर क्लिक करिए। उससे क्या होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको पहुँचे। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।